गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल एंड आल्सो वेलकम टू माय क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर इलेवन फॉर एट साइंस एंड द चैप्टर नेम इज फोर्स एंड प्रेशर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स एंड प्रेशर व्हाट यू मीन बाय फोर्स फोर्स क्या होता है जब किसी भी क्या करते हैं हम पुश करते हैं पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या फिर उसके क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट के चेंज आता है कहा किस में चेंज आता है उस ऑब्जेक्ट के शेप में डिस्टेंस में जो भी चेंजेस आता है उसको क्या बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं force. Okay? Force. अब हम फोर्स ओके और ए पुल और वी कैन से क्या होता है कैसे डिफाइन करते हैं पुश करते हैं और पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वी कैन से फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड स्टेट डायरेक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट मीन्स क्या होता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट क्या कर देती है चेंज कर देती है उसकी स्पीड क्या उसको स्टेट की उसकी डायरेक्शन एंड उसके डायमेंशन शेप और साइज में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या किया था इसको पुष्ट किया हुआ था इस डोर को इट मीन्स क्या होता है फोर्स लगा था तभी इससे क्या होता है इसकी डायरेक्शन चेंज हुई थी ऊपर फोर्स लगा हमने इसको फोर्स लगा के चेंज किया नेक्स्ट विल भी क्या होता है चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग कौन कौन से चेंजेस होते हैं चेंज इन द स्पीड किसके अंदर चेंज होता है चेंज इन द स्पीड इफ पुश समूअर बाईसाइकिल अगर क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल पीछे से क्या करता है कोई आपकी बाईसाइकिल को पीछे से क्या करता है पुश करता है धक्का देता है देन क्या होता है जो आपकी बाईसाइकिल क्या करती है वो और भी ज्यादा मूविंग करती है स्पीड स्पीडली मूव करती है स्टार्ट मूविंग फास्टर और ज्यादा स्पीड में मूव करती है ओके फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें देख सकते हो ये बच्चे ने क्या हुआ बॉल उठाई हुई इसमें भी क्या हुआ उसकी स्पीड के अंदर चेंज हो रखा है ओके नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट वन हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी क्या होता है जो कि किसी बॉडी के अंदर कैसे चेंज आता है उसकी स्टेट में कैसे चेंज आएगा व्हेन यू किक फुटबॉल इट मूव्स मैन यू कैचिंग बॉल इट क्या होता है जब क्या क्या करते हो आप क्लिक करते हो एक फुटबॉल को देन क्या होता है जैसे फिगर के अंदर देख सकते हो आप इसने क्या रखा है इस पर्सन ने क्या किया इस पर्सन ने फोर्स लगाया किसके ऊपर लगाया है इस फुटबॉल के ऊपर लगाया है इसको किक करने के लिए इसको क्या किया इसको प्रेशराइज किया है तभी इसकी क्या है पोजिशन के अंदर इसकी शेप के अंदर उसकी क्या स्पीड के अंदर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी नॉट फोर्स फोर्स कम इन नोटिस टू बॉडीज इंटरेक्ट कभी कभी होता है जब टू बॉडी क्या करेगी इंटरेक्ट करेगी एक साथ इट इटमीन्स जब दो बॉडी है एक तो ये क्या है एक, एक एक फुटबॉल है जब दोनों के बीच में क्या हो रहा है इंटरेक्ट हो रहा है तभी ये फोर्स पॉसिबल हो पा रहा है नेक्स्ट विल बी चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन में चेंज कैसे होता है वेन यू वेन यू हिट मूविंग क्रिकेट बॉल इट चेंज इक्शन क्या होती है जैसे आप फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट देखते हो आप प्ले भी करते हो जब आप क्या करते हो क्रिकेट से क्या करते हो जब बैट से क्या होते हो बॉल को हिटअप करते हो इट मीनस क्या होता है जो उसकी बॉल के अंदर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है फास्टर हो जाती है ओके okay? तो इससे भी क्या होता है चेंज हो गया चेंज इन द नेक्स्ट वन विल बी टाइप ऑफ फोर्सिस टाइप ऑफ फोर्सेज जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं टू टाइप ऑफ फोर्सिस होते हैं फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से होते हैं ऐसे फोर्सेज होते हैं जो कॉन्टेक्ट फोर्स जिसे हम क्या जो हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं नॉन कॉन्टेक्ट क्या होते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आते उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट नाउ डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट विल बी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सिस फोर्स दैट एक्ट ऑनली वेन टू बॉडीज ऑन फिजिकल इन कॉन्टेक्ट जब टू बॉडीज क्या होती है फिजिकल कॉन्टेक्ट में अंदर आती है एक दूसरे के आस पास आती है उसको तो बोलते हैं कॉन्टेक्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं बच्चे क्या है बच्चे ने टॉयस लिया हुआ है इट मीन्स जो इसकी ये क्या है स्ट्रिंग इसके हाथ में है इट मीन्स कैसे टू ऑब्जेक्ट के साथ क्या है कॉन्टेक्ट में आए तभी इसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट फोर्स नेक्स्ट वन विल बी फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स मस्कुलर फोर्स क्या होता है इटमीन्स मसल के थ्रू फोर्स लगा जैसे ये बच्चा है ये चल रहा है स्कूल के लिए चल रहा है इट मीन्स जो हमारा बैग है तो इसके ऊपर क्या है ये मसल्स के ऊपर प्रेशराइज हुआ फोर्स लगा इट मीनस क्या मस्कुलर फोर्स है ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जब भी हम कुछ राइड करते हैं ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स है ये जो जो हमारी क्या मैकेनिकल से नाम से ही पता चल रहा है जो मशीनरी वगैरह होती है कौन से फोर्स होते हैं वो हम जो उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं मशीन के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है इसको प्रेशराइज किया जा रहा है इट इटमीन्स क्या है मैकेनिकल फोर्स नेक्स्ट विल भी क्या है मैकेनिकल फोर्स कौन सा है मैकेनिकल फोर्स फोर्स एक्सटेड बाय मैकेनिक्स जो मैकेनिक्स फोर्स एक्जेड करते हैं जैसे हमारे क्या है ये टर्बाइन होते हैं इन हाइड्रल पावर स्टेशन के अंदर जो हमारे क्या होती है मशीन्स वगैरह के ऊपर जो क्या होते हैं मैकेनिक्स क्या होते हैं प्रेशर करते हैं प्रेशराइज करते हैं उनको ऐसा कौन सा फोर्स होता है मैकेनिकल फोर्स होता है जो ये मैकेनिक्स हमारे यूज करते हैं नेक्स्ट वन हमारा मस्कुलर फोर्स मस्कुलर फोर्स कौन सा जैसे नाम से ही पता चल रहा है फोर्स एक्सटेड बाय मसल्स कहाँ एक्ज होता है वो हमारे मसल्स के ऊपर जैसे ये बच्चा स्कूल गोइंग है पीछे ने अपना बैग ले रखा है इस मीन क्या मसल्स के ऊपर क्या मस्कुलर फोर्स हो गया मसल्स के ऊपर ऑफ वन बॉडी ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी क्या अपोजिंग फोर्स है जिसे क्या है एक पर्सन चल रहा है किसके ऊपर चल, चल रहा है एक पाथ है अपोज कर रहा है वन मोशन क्या करता है अपोजिंग फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ क्या करता है अपोज कर रहा है मोशन ऑफ ऑफ वन बॉडी बॉडी ओवर सरफेस अनदर क्या है इसको अपोज कर रहा है जैसे हम कोई भी, किसी भी, कोई भी 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 किसी ले लेते हैं एक बॉडी क्या करती है जैसे विंड चलती है कभी किसी डायरेक्शन में चलती है कभी कौन सी डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे के क्या करती है वो अपोज करती रहती है हम इसे साइकिल चलाते हैं तो दूसरी साइड से हवा आती है इट मीन क्या हमें को अपोज कर रही है वो दिस इज अ अक्शन सो स्टूडेंट्स यू रीड दिस टॉपिक्स and chapter properly if you have any doubt any query then ask me in comment box and have a nice day thank you very much